गुड मॉर्निंग. सो इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग एंड वी जस्ट हैव 1 आवर इन हैंड टू गेट रेडी एंड देन स्टार्ट. कल रात तक मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था. सो जस्ट वी हैव टू वेयर द ड्रेसेस और फिर हमको निकलना है बहुत जल्दी से, कैब बुक करना है. तो चलिए अब धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम इन हैंड. गए हैं फाइनली एयरपोर्ट और ज़्यादा टाइम अब बाकी नहीं है बोर्डिंग के लिए. सो विल जस्ट गेट द बोर्डिंग पास प्रिंटेड फ्रॉम हियर. इट वॉज सो डैम चिलिंग आउटसाइड, फ्रीकिंग कोल्ड, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था. अंदर इट्स रियली कम्फर्टेबल. सो एनीवे चलिए अब फ्लाइट में बैठ के फिर बात करते हैं. तो चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है. सिक्योरिटी चेक पे हम लोगों ने बैग भी, बैगेज ड्रॉप भी कर लिया है. नाउ वी आर जस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट और अंदर बहुत ठंड कम है. इनफैक्ट इट्स मैंने जैकेट भी उतार ली है. बाहर इट वॉज फ्रीकिंग कोल्ड. तो अब हम जल्दी से भाग रहे हैं टुवर्ड्स द फ्लाइट. गेट नंबर क्या है पता नहीं, आई थिंक इट्स 48. क्या बोला? Okay. मैं कुछ समझ नहीं पाया. वैसे आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है GOA गोवा. Yes. हम आ गए हैं गोवा. Well, I learned this hello in Konkani while I was on the way. और हम फाइनली गोवा पहुंच गए हैं. एंड इट्स आफ्टरनून एट 1:30 और 1:45 और वेदर बहुत गर्म है यहाँ पे. काफ़ी गर्मी है. वैसे दिल्ली की टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है. आप देखिए हमने क्या क्या पहना है. इनफैक्ट काफ़ी वार्म क्लोज भी हम सोचे पैक करके, हमारे पास एक जैकेट भी है वो मैंने, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है. इट्स टू हॉट. वी आर ऑलरेडी फीलिंग क्वाइट वार्म और मैंने जो भी गूगल वेदर में देखा था दैट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो एनीवेज अब लग रहा है कि हाँ ये 2-3 दिन काफ़ी हम इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. इट्स बीइंग द पीक सीजन ऑलरेडी, टूरिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा है और कैब्स हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पे. एक्चुअली द वाईफाई स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो वेरी लो और यहाँ पे इसीलिए वी हैव टू बुक, वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम. तो आफ्टर रीचिंग होटल विल देन शो इट टू यू. ऑलरेडी हम इतने एग्जॉस्टेड हो गए हैं, हम सड़े हुए दिख रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर नॉट ही बट आई एम रियली लुकिंग लाइक डैम एग्जॉस्टेड. चलो ठीक है, मिलते हैं आफ्टर रीचिंग होटल. ओके बाय. Hey, hi.
सो फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं, यहाँ पे चेक इन कर ली है. नाउ इट्स 4 o'clock और ये काफ़ी लंबा रास्ता था एंड वी वर डैम टायर्ड, बहुत थक चुके हैं और बाहर स्कॉर्चिंग हीट है. आई कुडंट बिलीव कि मुझे लग रहा था कि गोवा में गर्मी होगी लेकिन इतनी गर्मी होगी ये मैंने सोचा ही नहीं था. सो एनीवेज हम लोगों को गर्मी की वजह से और वेदर चेंज सडनली हुआ उसके वजह से बहुत हम लोगों को एग्जॉशन हो गया है. तो जल्दी से अभी मैं आप लोगों को रूम दिखा देती हूँ. ये है होटल रूम विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, छोटा सा है बट इट्स वेरी नाइस. ये हमारा किंग साइज बेड है, हमारा मतलब होटल का. बैग मैंने रखवा दिए हैं, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मिनरल वाटर बॉटल्स दिए हैं पर हेड के हिसाब से. दिस इज़ अ वार्डरोब, क्वाइट स्पेशियस और हाँ इसके अंदर एक लॉकर भी है अगर किसी को कुछ वैल्यूएबल रखना हो तो. खैर मेरे पास कुछ वैल्यूएबल है नहीं. और ये है टीवी और यहाँ पे है मिनी फ्रिज. वेल शायद ये काम आ जाए मिनी फ्रिज. और शू कैबिनेट है और इसके बाद टीवी मैंने अभी चलाया नहीं है. ओके यहाँ पे टिकट्स हैं और मेन्यू भी रखा हुआ इन्होंने, ब्रोशर्स एंड मेन्यूज और पता नहीं इनके फीडबैक के लिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे शायद. ओके सो यहाँ पे व्यू कुछ ख़ास नहीं है. आई थिंक यहाँ पे एक और कुछ रेजिडेंशियल हाउस या कुछ है. सो दिस इज़ इट, ये व्यू इतना ही है. ये यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ रिसेप्शन का नंबर वगैरह एंड फ़ोन टेलीफोन है, ड्रॉअर्स है. एंड दिस इज़ द वॉशरूम, यू कैन सी मी, आई एम लुकिंग सो डैम टायर्ड, माई गॉड. ओके तो इन्होंने टॉयलेट्रीज दी हुई हैं विच आर गुड लुकिंग गुड. ये बाथ एरिया है, शार बाथ एरिया, टॉयलेट इज़ ओके. थोड़ा सा बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बट इट्स नाइस, इट्स गुड वन. काफ़ी इसका सीलिंग भी बहुत सुंदर है, इफ यू कैन सी, आई रियली लाइक इट. एसी मॉडरेटली सेट है सो थोड़ा कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे तब काफ़ी कम्फर्ट होगा. सो दिस इज़ इट गाइज. तो एनीवेज अब जल्दी से जाएंगे, कुछ खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेके देन विल मूव टू दी सैटरडे नाइट अरपोरा, मतलब मार्केट, बागा नहीं अरपोरा मार्केट. बहुत दिन से मन था कि सैटरडे नाइट मार्केट में जाएंगे जब भी हम गोवा नेक्स्ट टाइम जाए तो. सो आज सैटरडे है तो आज पहले वहाँ जाना है और हम ट्यूसडे को लौट रहे हैं इसीलिए वेडनेसडे मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होगा. तो देखते हैं कि वहाँ जाके अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीद पाए तो अच्छा लगेगा. देखते हैं लोकल चीज़ें क्या मिलती हैं वहाँ पे. तो बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है. हाय गुड इवनिंग. तो अब हम तैयार हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं, बाइक हायर करना है और थोड़ा सा आसपास का मार्केट घूमेंगे. और जो सोचा था सैटरडे नाइट मार्केट, पता नहीं वो चालू है कि नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे कि दैट अरपोरा मार्केट इज़ नॉट रनिंग नाउ ड्यू टू दैट कोरोना सिचुएशन अलॉन. तो देखते हैं. तो सबसे पहले एक्चुअली हम लोग बहुत थक गए थे एंड इट वाज़ 1 आवर नैप, लेकिन वो पावर नैप बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए. तो फिलहाल हम थोड़ा होटल का आसपास दिखाते हैं आप लोगों को. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि हमने पिक्चर्स में इमेजेस में देखा था. लेट्स गो एंड सी. या दिस गाय एक्चुअली. So we are staying in a very fabulous property. Yeah. Godwin Hotel Goa. It's really wonderful. In fact, the ambience is so catchy that you know you feel that vibes of Goa. काफी अच्छा यहाँ पर है. Actually, yeah. And this was selected by him or इन्होंने R&D. Yeah. Anyway, but यहाँ के staff के सबके behavior and the management is really fabulous. सो आई मस्ट से दैट, मतलब पहले आने के बाद जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, इट्स रियली वेरी वेरी गुड. तो चलिए एनी वेज मैं आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ. प्लीज आइए. ओ वेल, तो ये है आउटडोर सीटिंग एरिया और यहाँ पे बैठ के डाइनिंग भी किया जा सकता है, आई थिंक सो. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. लेकिन यहाँ पे पूल के पास ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है. आई थिंक वी शुड कम इन द मॉर्निंग ताकि हम उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से देखें.
we heard that this pool is quite clean और सब यहाँ पे enjoy कर भी रहे थे जब आज हम लोगों ने check in किया, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी अंधेरा है तो so I think okay then we should move for the market area. चलिए सबसे पहले बाइक हायर कर लेते हैं. ओके जा रहे हैं. यहाँ हम लोगों को पता चला, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एक्चुअली अरकोड़ा का जो सैटरडे मार्केट है वो बंद है. सो आई वॉज रियली वेरी वेरी अपसेट क्योंकि मुझे बहुत मन था, पहले से ही मन था, जब लास्ट टाइम आए थे तभी भी मन था कि ये या तो वेडनेसडे मार्केट या फिर सैटरडे मार्केट में आएंगे, बट ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया इस बार भी. बट एनी वेज हम अभी मार्केट में से चलते हुए जा रहे हैं एंड एवरीवेयर अराउंड ये इतने सुंदर सजे हुए हैं सब कुछ, ऐसा समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग द फीलिंग कि अभी पूरा वो फेस्टिव ओकेजन है, क्रिसमस वाला, पार्टी वाला, लाइक हर कोई एकदम बिल्कुल मूड में है. और बाइक हमने सोचा, एक तो हम वॉक कर रहे थे यहाँ पे, वॉक करते करते फिर हमको बहुत अच्छा लग रहा था. यू कैन सी दिस ऑल्सो, मुझे ये प्लेस भी यहाँ से जब मैं जा रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. इट्स सो ब्यूटिफुल. तो हर जगह पे ये यहाँ पे सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, सब कुछ ऐसे ही इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है. सो हम लोगों को यहाँ पे, मुझे एक्चुअली यहाँ पे वॉक करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था. और मुझे एक दो चीज़ें, वो एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी हीट भी है ना, तो वो हैट वेट खरीदना है हम दोनों को, तो सोचा कि चलो ठीक है यहाँ से थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं, अच्छा भी लगेगा. और फिर अभी हम चलते हुए जा रहे हैं अभी बीच के तरफ, तो वहाँ भी थोड़ा सा वॉक हो जाएगा. एंड एक और चीज़, यू कैन सी ओवर हियर सारे दुकानों में, लाइक आप लोगों को पता ही होगा कि गोवा में दिस कैश्यू इज़ फेमस, तो यहाँ पे सारे दुकानों में इस हिसाब से कैश्यू के बस वो जो कहते हैं ना बोरे लगाए हुए हैं. इट्स रियली, मैं देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गई. गॉड, यहाँ पे उस हिसाब से लगा, ऐसा लग रहा है जैसे पॉपकॉर्न या फिर मुरमुरे नहीं रखे होते हैं एकदम वैसे, बिल्कुल थोक में और बाहर पड़े हुए हैं सारे दुकानों के. एनीवेज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और चर्चेज और सारे चर्चेज भी मैंने देखे, बहुत सुंदर डेकोरेटेड हैं. तो एनीवेज चलिए अब थोड़ा सा बीच पे टहल लेते हैं और फिर कल जाएंगे साउथ गोवा एज़ फार एज़ आई हैव प्लान्ड टिल नाउ. फिर देखते हैं, अगर कुछ प्लान में चेंज होगा तो कल सुबह को फिर बात हो जाएगी. ओके गाइज, दिस गाई ही इज बाइंग सच अ थिंग जो वो नॉर्मल लाइफ में एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर्स और फॉर्मल वेयर के बाहर वो जाते ही नहीं है. एंड लुक एट हिम व्हाट ही इज बाइंग. आई थिंक इट विल बी लुकिंग वेरी प्रीटी ऑन यू. या इट विल लुक एक्चुअली प्रीटी ऑन यू. फाइनली हम लोगों को बाइक मिल गया है यहाँ पे एक जगह पे. एंड ये होंडा एक्टिवा अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे. वैसे तो काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन हमको थोड़े रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था और सोचा कि चलो ठीक है, सुबह से हम लोग को वैसे भी निकलना ही है.
तो ले लेते हैं, तो अच्छा होगा। वैसे भी हम लोग का प्लान था ही आज शाम तक ले लेने का। इट्स अ नाइस वन, लेकिन ये काफ़ी अंधेरे में रखा हुआ है, इसीलिए अभी इसको लेके निकलेंगे ना बाहर तब दिखा पाऊँगी कि ये कैसा दिख रहा है। इट्स अ गोल्डन एक्टिवा, मतलब येलोइश मस्टर्ड येलो कलर का, अच्छा है। लेट्स सी। या गाइस, सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर राइड ऑन द बाइक। अब जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने, और पेट्रोल फिल करके फिर हम जाएंगे बीच। ये फाइनली हम पहुंच गए हैं कैलंगूट बीच, और यहाँ पे पूरा पार्टी का माहौल है ऑलरेडी। वाओ, तो कैलंगूट बीच पर एक शैक में बैठ के सी फूड एंजॉय करने के बाद हम वहां से कैंडलिम चले गए, बिल्कुल हमारे होटल के पास डिनर करने। वहां हमने पूरे सेलिब्रेशन मूड के साथ लोकल फूड का जायका लिया, जो कि हमारे इस बार के गोवा ट्रिप प्लान का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम इतना थक गए थे कि होटल लौट कर लॉक क्लोज करने की ताकत ही नहीं बची थी। बट एनीवेज, द फर्स्ट डे वाज टू गुड फॉर अस। आप कमेंट्स करके बताना कि आपको भी कैसा लगा, और हाँ, अगेन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलेंगे गोवा डे 2 के ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।